दोस्त आपके सब आपसे आपका सब सच्चा साथी जो है वो सर्कल होता है, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी सर्कल होता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा जी। अगर आपने यहाँ पे इधर सर्कल को, यहाँ पे इधर सर्कल को ऊपर भरोसा रखा, अगर आपने सर्कल के साथ साथ आप रोटेट करते तो मिल जाओगे, तो वेल आपको यहाँ पे, अगर आप सर्कल को रिस्पेक्ट दोगे तो सर्कल भी आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट देगा। आपको कहीं ना कहीं फीवर करता हुआ देखने के लिए मिलेगा, वरना आपके लिए दिक्कतें बहुत बहुत ज्यादा बनने वाले। ले जमाना की बात कर जाए, आप स्पॉट कर चुके हैं, आगे तरफ यहाँ पे रहने वाले हैं जी। आए आप बिग बैग गैलेक्सी के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, इंतजार कर रहे, कह रहे आइए, आपका इंतजार है, आपका स्वागत करने के लिए बैठे हम। अच्छा, टीम टीएसएम की बात कर रहे हैं, वो भी आप पे यूडी के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, उनको वही कह रहे हैं कि आइए, आपका इंतजार है। हम हार लेके तो नहीं, बट डेफिनेटली आप हमारी जो गन है वो लेके बैठे हुआ लीजिए, आप बात कर ले जाए, वो खराब नहीं करने वाले। आप यहाँ पे पगी फोड़ना चाहेंगे, बट वापस से गलती टीएसएम के प्लेयर्स के द्वारा। जी हाँ, यहाँ पे ब्लेज जरूर नॉक हुए, थोड़ा सा मौका दे दिया एक प्लेयर को सरफेस को पकड़ने का और उस प्लेयर ने नॉक निकाल दिया। हालांकि मछलियां अभी भी पानी में है और मछुआरे चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, उन फिनिशेस को अपने नाम कर सकते हैं। टीएसएम अपने प्लेयर को रिवाइवल भी देना चाहेगी, बट वहीं ग्लोबल ईस्पोर्ट्स और निग्मा गैलेक्सी के बीच में भी थोड़ी देर बाद हमें एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए टीएसएम अलग अलग एंगल्स को अपने प्लेसमेंट बना के बैठी हुई है, दिक्कतें टीम नंबर 24 के लिए जरूर बढ़ाई गई है। बट लीजिए, मान्या फाइनली नॉक होते हुए नजर आएंगे, निग्मा गैलेक्सी पहला घाव ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को देती हुई। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए चुनौती इस ब्रिज को पार करना रेवेनेंट जोन के पास देखने को मिल रही थी। हालांकि उन्होंने अपने आइडियाज में बदलाव किया, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री बेस के रीजन से शायद देखने को मिल सकते हैं, अभी तक ब्रिज के आसपास देखने को नहीं मिल रहा है। पानी के थ्रू जाएंगे या ब्रिज के थ्रू जाएंगे वो एक सवाल रेवेनेंट के लिए भी रहेगा, बट फिलहाल के लिए निग्मा गैलेक्सी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स सामने सामने। निग्मा गैलेक्सी जानती है फ्री किल्स है अगर तरीके से उठाए तो, बट वहीं ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए भी ये मैच कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन के साथ निकालना बेहद जरूरी होता हुआ टीम टीएसएम टीम 24 को काल कवलित करने की हर संभव कोशिश करती हुई अपने एक प्लेयर जो उनके नॉक हुए थे उन्हें रिवाइवल दे दिया गया। और लीजिए निंजा जॉट रिवाइवल पाने के बाद अपनी टीम के लिए कुछ बढ़िया फिनिश निकालने में और कामयाब होते हुए नजर आएंगे। 8 टीम 22 प्लेयर इस मैच में अभी भी देखने को मिलते हैं। टीम टीएसएम जोन में जाना अभी भी एक चुनौती, हालांकि एक सेफ एंट्री उनके पास अभी भी रहने वाली है। वेल डेफिनेटली आप टीएसएम के प्लेयर्स तो आराम से यहाँ पे जाते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे बात कर ले जाए यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स की, तो रॉनी जोकर एंड मदन यहाँ पे बात कर ले जाए तो वेल जोकर तो डेफिनेटली यहाँ पे ओके, वेल वो भी यहाँ पे जोन के बाहर फंसते हुए देखने के लिए मिल जा रहे हैं। उनको भी यहाँ पे जोन का जो डैमेज है फंसते हुए देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स पूरी तरीके से यहाँ पे जोन के बाहर रहने वाली है। टीम निग्मा गैलेक्सी की बात कर ले जाए, वो रोटेशन ले रहे हैं, चौथा सर्कल हमें विटनेस करने श्रिंक हो रहा है, पांचवा सर्कल जो हमें यहाँ पे विटनेस करने के लिए मिलने वाला है लेजेंड। यहाँ पे देखने वाली बात बन जाती है कि क्या होगा। सर्कल की बात कर ले जाए तो सर्कल वापिस अगर आपको याद हो एक बार के लिए सोल वर्सेस यहाँ पे ट्यूब वर्सेस यहाँ पे एक और टीम एग्जिट जो थी उनकी टीम का हुआ था वहां पे, अगर आपको याद हो तो डे थ्री की मैच है जी। हाँ, डे थ्री का आखिरी पास था। यहाँ पे बात कर ले जाए तो वो सोल वर्सेस वो होने वाला था, लगा था कि टीम सोल सेकंड पोजीशन पे 1v2 कर लिया था जी। हाँ, तो एग्जैक्टली वही सर्कल यहाँ पे कहीं ना कहीं बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, शायद से वही सर्कल है, राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, लगभग वही सर्कल देखने को मिल रहा है, लगभग अगर आप देखें एक सिमिलैरिटी कह सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कह सकते। फिलहाल के लिए स्काईलाइट्स की बात कर लें, कहीं ना कहीं नदन रीजन से पानी के थ्रू जोन के अंदर प्रवेश जरूर किया, रेवेनेंट पीछे से बैक स्टैप करने की कोशिश कर रही है। वहीं निग्मा गैलेक्सी की बात कर लें, जोन के अंदर वो भी प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें पता है जोन का डैमेज एक अलग स्तर पे रहेगा। बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की बात करें, उन्होंने अपने कहीं ना कहीं प्लेयर गवा दिए, मदन शायद इकलौते देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। स्काईलाइट्स स्टिल विद 3 मैन स्क्वाड ब्लेज SK47ST को अपना शिकार बनाते हुए, बट हम एक टीम को बताना भूल गए, वो थी ऑटोबोट्स जो मिलिट्री बेस पे ही उतरी थी और वो अभी तक जोन के अंदर है। ये वो टीम है जिसने 2 मैचेस में बैक टू बैक चिकन निकाला, तीसरे मैच में टॉप 8 में आ चुकी है, और अगर इस मैच में भी वो बेहतरीन खेलती है तो शायद उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। चारों प्लेयर अभी तक देखने को मिल रहे हैं, के ऊपर कनेक्शन लेना चाहते हैं, कामयाबी नहीं मिलेगी। हेल को अभी तक संजीवनी नहीं मिल पाई है, कोई भी प्लेयर उनके करीब नहीं है। हालांकि एक 3-on-1 का फॉर्मेशन जरूर देखने को मिलेगा, एक प्लेयर थोड़ा सा दूर, 3 प्लेयर एक जोन के पास देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। डैमेज यहां पे ऑटोबोट्स के ऑल्डो के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा और वो भी नॉक हो चुके हैं, दिक्कतें ऑटोबोट्स के लिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही है।
वेल डेफिनेटली यहाँ पे ऑटोबॉस के प्लेयर्स भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बैकफुट पे जाते हुए कमल जा रहे क्या बोलो पूरा यहाँ पे पुश करेंगे जी हाँ। नीचे यहाँ पे करीब आते हुए देखने कमल जा रहे गलत पोजीशन आके अपने व्हीकल रोकेंगे जी हाँ। स्प्री किल जब बात करते हुए देखने कमल मिल चुके व्हाट डज दैट आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन ओवर हियर टू वेल द अपोलो पूरा बट फिलहाल के लिए चलिए आप इधर अगर मिलेगा मौका तो डेफिनेटली आप पूछेंगे हम क्वेश्चन की ये क्या कर दिया उन्होंने मतलब व्हीकल बहुत ज्यादा करीब शायद से उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि प्लेयर एग्जैक्ट उनके सामने की तरफ रहने वाले बट फिलहाल के टीम ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। टीएसएम के प्लेयर्स यहाँ पे रोटेशन डालते हुए देखने का मिल जाएंगे। प्लेयर्स की बात करें जाओ ऑटोबॉट के प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पे एक बार के लिए स्पेस कनेक्शन करते हुए कमल जाना पिकअप करके आप पोच कर साथ में तरफ ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स अब यहाँ पे नीचे के तरफ जीवित रहने वाले हैं जी आ चुके हमारे सी बिल्डिंग के तरफ सर्कल के अंदर है देख लीजिए आप टीम ऑटोबॉट सर्कल के अंदर नहीं है बट टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर है। छह फिनिशर सिक्योर कर चुके मदन एंड रॉनी दे आर होल्डिंग अ ग्रेट ग्रेट पोजीशन बट जहां तक मुझे लग रहा है अगला सर्कल टीम टीएसएम के खाते में ज्यादा फेवर करने वाला है शायद से। देखिए टीम टीएसएम के खाते में फेवर करे या ना करे पर उनके पास हायर रीजन है वो अच्छे खासे फिनिश जरूर निकाल सकते हैं। अगर सपोज करिए मानिए अगला जोन हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे सी बिल्डिंग को भी छोड़ के और हायर रीजन को छोड़ के बीच में भी बनता है तब भी टीएसएम के पास फिनिशेस निकालने का मौका है। हालांकि टीएसएम ने ऑलरेडी बहुत अच्छे फिनिश निकाल लिए हैं। ऑटोबोट्स की बात कर ले जोन में जाना चुनौती है एक प्लेयर गाड़ी के थ्रू जोन के अंदर प्रवेश तो किया है बट सबसे बड़ी बात यह है कि जोन के अंदर रहते हैं वो एक सवाल था और जैसे कि बोला गया था ऑटोबोट्स के ऑक्सी जोन के अंदर प्रवेश करने में कामयाब हुए डैमेज उनके बहुत बड़ा वो नॉक हो चुके हैं। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स वर्सेस ऑटोबोट्स ऑटोबोट्स के प्लेयर भी दिक्कतों में आए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर भी थर्ड पार्टी में दिक्कत में आ चुके हैं और अब सवाल ये है कि कौन सी टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स और ऑटोबोट्स क्योंकि दोनों टीम ने पिछले कुछ मैचेस बहुत बेहतरीन खेले हैं बट लीजिए यहाँ पे दोनों टीम अपने कुछ प्लेयर को गवाती हुई नजर आएंगी। ऑटोबोट्स एक इकलौता प्लेयर उनका सरवाइव करेगा मदन ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की तरफ से इकलौते प्लेयर क्या यहाँ पे ऑटोबोट्स के हेल अपने प्लेयर को रिवाइवल दे पाएंगे। एक नेट डाला गया है कनेक्शन होंगे या नहीं वो एक सवाल बट वही अगर मैं हेल की बात कर लूं अपने लिए कवर जरूर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। चार टीम नौ प्लेयर इस मैच में ग्लोबल ईस्पोर्ट्स वर्सेस ऑटोबोट्स अभी भी बट टीएसएम एक ऐसी टीम जिसके पास मैन पावर भी है और अब वो जोन पावर भी बनाते हुए नजर आएंगे। शायद 16 फिनिश ऑलरेडी निकाल चुके हैं और शायद इस मैच में MM20 के साथ एक बड़ी अच्छी गेंद निकालने की उनकी कोशिश रहने वाली है। यहाँ ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने कोशिश काफी की बट टीएसएम के प्लेयर्स को यहाँ पे रोक नहीं पाए जी हाँ। यहाँ पे बात कर ले जाए टीएसएम 17 फिनिशर्स के साथ अपना डोमिनेशन जो है बरकरार रखते हुए देखने का मिल चुके यहाँ पे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगर बाकी की यहाँ पे फिनिशर्स निकाले तो यहाँ पे 21 फिनिशर्स के साथ यहाँ पे जो विनर विनर कंटेनर है वो लेकर चले जाते हो जगह ऑटोबॉट के प्लेयर्स की बात कर जाए कुछ यहाँ पे लेते हुए देखने का मिल चुका है। यहाँ पे रहने वाले शैडो की बात कर ले जाए वो यहाँ पे रोटेशन डालते हुए देखने का मिल जाएंगे। लीजिए आप टी20 के प्लेयर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं कि ऑटोबॉट्स के यहां पे तीन प्लेयर्स कट लीजिए कहते ही कहते यहां पे 2v2 का जो सिचुएशन है वो आ चुका है। एनटीटी के यहां पे शैडो को नॉकआउट कर लिया जाएगा। यहां पे करने का निंजा जॉर्ड की बात कर ली जाए वो आखिरी सोलो प्लेयर यहां पे जीवित रहने वाले हैं। टीम टीएसएफ इज लूजिंग आउट द ग्रिप इन दिस पर्टिकुलर मैच। सी ऑटोबॉट्स को वापस यहां पे कौन जो मैच है वो अगर मिलता हुआ देखने का मिल जा रहा बट यहाँ पे मिल जा जॉर्ड विद बिल्कुल डीप कनेक्शंस एलिमिनेशन निकालते हुए देखने का मजा आ रहे। क्या लगता है बाबा यहाँ पे 1v1v1 का यहाँ पे सिचुएशन ऑलमोस्ट हो रहा है कि यहाँ पे हो पाएगा? देखिए मुश्किल है बहुत ज्यादा क्योंकि अभी उन्हें नहीं पता कि पीछे हीरो अनस्टॉपेबल्स के बचे हुए हैं। लीजिए वो शिकार बनाएंगे और ऑटोबोट्स और टीयूबी की फाइट। ऑटोबोट्स तीसरा हैट्रिक मारेंगे या नहीं वो एक सवाल है बट टीएसएम ने कितनी बड़ी गलती कर दिया। उनके पास जोन था जिस जगह जोन गया है वो उन्हीं की जगह थी और अब यूबी वर्सेस ऑटोबोट्स ऑटोबोट्स ओ माय गॉड व्हाट वाज दैट ओ माय गॉड। जो मैंने कहीं ना कहीं एक अंदेशा लगाया था कि एक मोमेंटम उन्होंने जनरेट किया है और शायद उस मोमेंटम को वो तीसरे मैच तक लेके जा सकते हैं एंड ऑटोबोट्स हैज प्रूव्ड दैट वेरी वेल। एक